आत्मा विहित विषयान् राष्ट्रभोगान् सहिष्ठान् पश्चाचान्यान् स्वमतिभिः ज्योतिषाश्रयेण सूक्ष्मा सर्वानेकान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वशौ न स्तुलीय और फिर जो है कि कर्म और कर्म पर जो भोग शंकर हो जाएगा इसके लिए अलग अलग आत्मा मानना चाहिए। तब जब उपाधि के माध्यम से सारा सिद्ध हो जाता है क्योंकि आत्मा में ना जन्म मृत्यु है, आत्मा में ना कर्म और कर्म के फल है और आत्मा में ना भूख प्यास है। क्षर पूर्ण से नहीं गए आत्मा जन्म मृत्यु भूख प्यास शुद्ध से मतलब इस तरह ये जहाँ पे है वहाँ पे भेद पाओ उससे हमारा काम चलता है। उपाधि के निमित्त से उपाधि में वो है, उपाधि में कर्म है, उपाधि में सब कुछ है, इसलिए उपाधि अनेक मान लोग प्रदेश करते हैं और आत्मा तो एक है वेदांत सिद्धांत का अंश। तब उसने अंतु सृष्टि का फूल आया हुआ सूर्य और उसको कैसे उत्पन्न करोगे। जब बोलते हैं बिल लोह निष्फुलित दही सृष्टि या छोटे का अन्य था उपाय से अवताराय नस्ति हमारे अंदर एकत्र बुद्धि को उत्पन्न करने के लिए क्योंकि एक सामान्य सिद्धांत है आज कभी अपने कारण को छोड़ के नहीं रह सकते सभी एकत्र बुद्धि में बैठ जाते किसी भी बात में हो सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद विवर्तवाद किसी भी कार्य में हो कार्य कभी अपने कारण को छोड़ के नहीं रह सकते और कारण कभी कार्य के साथ विरोध भी नहीं करता। यदि कार्य के साथ विरोध करता है तो कार्य ही विरोध करता है। कारण कभी कार्य के साथ विरोध भी नहीं करता। यदि कारण कार्य के साथ विरोध करने लग जाए तो कार्य उत्पन्न नहीं हो पाएगा, तब तो कार्य के साथ कार्य का विरोध हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि इस समय कुछ मृतिका को आपने खरा रूप में देख लिया और उसी मृतिका को आप अन्य रूप में देखना होगा तो उस खरा को बिगाड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस मृतिका से अन्य रूप देख सकते हैं। इस प्रकार से कार्य लिए जो हमारा घटभाष्य है घटभाष्य वृद्धानुरूपण है उसके ऊपर भगवान भास्कर बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को समझाए। कारण की किसी के साथ कोई विरोध नहीं है, यदि कार्य कार्यांतर से विरोध करते हैं इसीलिए यहाँ पे एक सृष्टि बात को आए भी है सृष्टि बात को भी ये दिखाया कारण सभी के साथ अनुकूल होकर के हर कार्य को अपने अपनी जगह पर मौका देते हैं। कारण क्योंकि है और कारण कार्य कभी भी अपने कारण को छोड़ के नहीं रह सकता। इसको समझाने के लिए शास्त्र में मतलब सृष्टि रूपी अध्यारोप को प्रक्रिया को अपना फिर अपने आप ही श्रुति जो है उसको निषेध भी कर देते हैं परंतु सारा जगत एक कारण से भूखा हुआ है तो निश्चय हो जाता है ठीक है। परंतु शास्त्र में तो कर्म उपासना आदि में प्रतिपादन करके भेद को दिखाया वहाँ पे परंतु वहाँ पे क्या बोलते हैं कि अधिकारी के भिन्नता के कारण क्योंकि अथवा फिर जो है बोला चार प्रकार की पांच प्रकार की जीव दिखाई पड़ते हैं पामर जीव बहुत चुनी बहुत चुनी मान मुक्त अधिकारी पुरुष और बहुत पामर जीव और बहुत चुनी की संख्या अधिक होने के कारण शास्त्र को उन लोगों को मार्ग दिखाने के लिए इस प्रकार कर्म और उपासना की विधान की है। कर्म और उपासना उत्तम अधिकारी के लिए नहीं किया और ज्ञान के बाद तो है ही नहीं
यहाँ पे क्या है कि सामान्य व्यक्ति को भी आत्मज्ञान प्राप्त होकर के संसार बंधन से छूट जाए, इसलिए कर्म अष्टम ही कर्म और उपासना अनुपमया अनुग्रह करते सूर्य का सब ठीक है। आपने सूर्य में सृष्टि बात को भी समझ रहे दिखाया और कर्म और उपासना बात को भी जरूर दूसरे बातों के सिद्धांत के साथ भी आपका विरोध होता है, दूसरे बातों के सिद्धांत के साथ भी आपका विरोध होता है तो हमारे साथ विरोध नहीं होता। क्यों? स्वसिद्धांत व्यवस्था सुद्वैति में निश्चित गुणम, अपने आप के सिद्धांतों को नियम को निश्चय करने के प्रत्येक वाली अपने आप में लड़ते रहते हैं, जिसका ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, उसको उसको ठीक नहीं है, और ये द्वैत में लड़ाई होता है, अद्वैत में लड़ाई नहीं होता। आत्मवेत्ता पुरुष सबको अपने स्वरूप देखने के कारण किसी के साथ उसका विरोध नहीं है, किसी के साथ उसका विरोध नहीं, परस्पर विरुद्ध थे तैर अयम ना विरुद्ध थे मुझे उनके साथ एकात्म दर्शन पुरुष के साथ विरोध नहीं है, ये भी दिखा दिया था। फिर उसके बाद प्रभेद है, परंतु एक चीज दो शब्द प्रयोग किया आपने, क्या शब्द प्रयोग किया? द्वैत और अद्वैत, ये तो विरोधी है दो वस्तु, विरोधी वस्तु, तो यहाँ भी विरोध नहीं है। क्यों? अद्वैत के ऊपर ही द्वैत दिखाई पड़ रहा, समझ में आ रहा है? शब्दों को दो भी तो दिखाई पड़ता है, द्वैत अद्वैत, भेद और अभेद, परंतु अभेद के ऊपर ही भेद दिखाई पड़ता, अभेद के ऊपर भेद दिखाई पड़ता है। इसको समझाने के लिए ये वेदांत के ऊपर सूक्ष्म करी थी, ये यदि आप समझेंगे जितना भेद दिखाई पड़ रहा है जरूर इसके पीछे कोई एक अभेद तत्व है, तभी जाकर के भेद समझ में आता है। टू सी ऑब्जर्व एनी चेंज देयर मस्ट बी अ चेंजलेस, इतना मिलती शक्ति को चेंज पर पता चलते नहीं ना, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा, इसलिए एक अभेद के ऊपर ही भेद दिखाई पड़ता है। उसको लेकर के मुझे अगला मंत्र पढ़ने कल मैं इस मंत्र पढ़ लिए थे, 18 मंत्र नहीं पढ़े थे ना, उसका केवल उल्लेख पढ़ लिए थे अवलंबन करते, विषय को अवलंबन करते भेदभाव एक अभेद बन, बिल्कुल विरोधी नहीं पड़ता था, बोलते विरोध नहीं है, कैसे मानेंगे तो शब्द में तो बोलते थोड़ी होता है। इसलिए बोलते हैं द्वैत पक्ष ही अद्वैत पक्ष से द्वैत पक्ष के साथ अद्वैत पक्ष का विषय द्वारों के विरोधी अधिगम्य माने, विषय को अवलंबन करके विरोध है ये समझ में आने पर कथम अविरोध हो बात करूँ, केवल मतलब शब्द वाक्य प्रयोग करते हैं हमारे साथ विरोध में थोड़ी मानते हैं। यदि आशंक ऐसा तो शंका करते उसको कहते स्वमत पर्यालोचनया तावत अविरोध, शब्द तो ऐसा है परंतु अपने सिद्धांत को यदि ठीक से समझोगे तो विरोध नहीं दिखेगा। स्व मत पर्यालोचना हमारे सिद्धांत को आगे पीछे विचार करके देखोगे हमारा किसी के साथ विरोध नहीं होता, इसको हम श्लोक ठीक है ना, अविरोध हम अद्वैतम परमार्थो ही, अद्वैतम परमार्थो ही द्वैतम तद्भेद उच्यते, द्वैतं तद्भेद उच्यते, तेषां भयता द्वैतं, तेनायं न विरुध्यते, तेनायं न विरुध्यते, अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते, तेषां भयता द्वैतं, हमारे पक्ष में एक हो गया पारमार्थिक, एक हो गया व्यवहारिक, और उनके पक्ष में भेदी व्यवहारिक भी है पारमार्थिक भी। हमारे पक्ष में क्या है? भेद व्यवहारिक अर्थ प्रातिभाषिक है, अभेद पारमार्थिक है। अन्नवादी के पक्ष में भेदी पारमार्थिक है, भेद भी व्यवहारिक भी है, भेद व्यवहारिक भी है, भेद पारमार्थिक भी है। इस प्रकार से उन वाले अद्वैत परमार्थ जो है, देखिए ये चीज है, अद्वैत हमारी पारमार्थिक है, द्वैतम तद भेद उच्यते, द्वैत उस अद्वैत का एक विशेष स्थिति को, इस प्रकार मृत्तिका का ही एक संस्थान विशेष को हम घट बोलते हैं,
हर मिट्टी को छोड़कर कुछ नहीं है, मिट्टी का कोई पर्टिकुलर फॉर्म फुल्डर ग्लास कस्टर ये सब उसे एक पर्टिकुलर फॉर्म मात्र है। इसलिए आप बोलते हैं वो ईश्वर वो उपादान कारण का ही एक जो है मतलब आकृति का मतलब आकृति का तो परिवर्तन लेकर के हम बोलते हैं। इसीलिए ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे अद्वैत जो पारमार्थिक है उसका उसके अंदर तो परिणाम होना संभव नहीं है। दृष्टांत में जैसे परिणाम वक्त को लेकर के हम बोलते हैं वो तो दृष्टांत में तो उसमें वो अपरिणामी तत्व है अव्यापक तत्व है वहाँ पर तो होना संभव नहीं है। तो व्यवस्था की दृष्टि से वही एक तत्व अनेक रूप में प्रतीति होती है, वही एक तत्व अनेक रूप में प्रतीति होती है। द्वैतम तद भेद उच्च द्वैत क्या होता है कि उसका उस अद्वैत का ही विशेष स्थिति मतलब संस्थान विशेष है ना उच्च कहा जाता है। द्वैत कोई अद्वैत को छोड़ करके नहीं है, मुक्ति अवस्था में भी द्वैतों के मानते हैं है ना। प्रकृति पुरुष दोनों सत्व मानते हैं, प्रकृति पुरुष विवेक मतलब प्रकृति रह जाएगा हमारे यहाँ पे ठीक है माया है परंतु ज्ञान के बाद माया नहीं है। इस प्रकार से तो देशां उभय था देवता उनको जो अद्वैत वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार क्या है कि सारा द्वैत प्रपंच मिथ्या है। तो ठीक है तो मान लीजिए जैसे सच्चाई को जानने वाला एक व्यक्ति बच्चा जो है मृतिका से मतलब बालू से लेकर के कोई मंदिर उंदिर बनाता है मेरा अपने आप तोड़ देता है फिर अपना कोई दूसरा दोस्त आके तोड़ दिया तो बच्चा रोता है तो बोलता कह रहे इस पर रोने की क्या बात है ये तो बस दूसरे के लिए बनाया था फिर रोने की कोई बात नहीं है। तो इसी प्रकार समझता व्यक्ति हंसते भी है उससे। उसी प्रकार ये लोग जो है द्वैत प्रपंच वैदांतिक सिद्धांत का अनुसार क्या है पारमार्थिक वस्तु नहीं है उसी को लेकर के विचार करते रहते हैं। तो आप उसका क्या उसके साथ विरोध करें उसका विषय अलग है हमारा विषय अलग है। विषय क्यों है वो जो है भेद को लेकर के विचार करते रहे हैं। जब देखा आपने शाम को दर्शन पूरा के पूरा प्रकृति को लेकर के विचार किया पुरुष को लेकर के दो पूर्व का इस प्रकार से उनके साथ हमारा इसलिए विरोध नहीं है। हम समझ जाते हैं कि इनकी जो है विचार का इनकी बोधि कितना तक आगे आ सकता है समय आने पर भगवान और आगे ला देंगे इसलिए उनके साथ हम विरोध नहीं करते। तब भेद उच्यते तब भेद तस्य भेद उसके समाज से समझते हैं। यहाँ पे एक नंबर टिप्पणी देखिए यहाँ पे भेद से क्या है परिणाम मत को नहीं लेना है। भेद इसी करके भेद मतलब विकार मतलब विवर्ति अर्थ है ना। जिस प्रकार घरा आदि मृत्यु का भी परिणाम है परंतु जगत जन ब्रह्म की परिणाम नहीं है जिसको विकारी वस्तु नहीं है तो उसका विवर्त इसमें भेद मतलब विवर्त मानना पड़ेगा। और तेन अयम न विरुद्ध तेन द्वैत भ्रांति मूल तेन है ना। जिस विषय को लेकर जो विचार करता है वो विषय विषय जो है भ्रांति मूलक होने के कारण आप कितना भी है कोई व्यक्ति को रज्जु को बस सर्व भ्रांति दो आप कितना भी शर्त को लेकर के विचार करते जाओ सर्व भ्रांति मिलने वाला है कि नहीं और दृढ़ होता जाएगा। परंतु अधिष्ठान किया है वहाँ पर जाकर के देखो ऐसे ही जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमेशा के लिए सत्य कि किसी प्रकार जागतिक वस्तु को लेकर जितना विचार करते जाएंगे और उलझते जाएंगे इसलिए जागतिक वस्तु को छोड़ करके शुद्ध आत्मा की सब चिंतन करेंगे तो बस आपका सारा फ्यूचर बंद हो जाएगा आराम से आपकी स्वरूप में ये व्यवस्थित क्षेत्र मुक्त क्षेत्र। आप देखिए आगे बोल रहे हैं ठीक है अद्वैतम परमात्म द्वैतम जब भेद उच्चते प्रातिभाषिक वस्तु के साथ तो किसी का कोई विरोध नहीं है ना आपका हमारा प्रातिभाषिक वस्तु जो विरोध है ना उसका भी विरोध नहीं है परंतु मुख्य दृष्टि को व्यवहारिक जगत सत्य है उसके साथ आपका सिद्धांत का विरोध हो जाए। इसलिए बोलते हैं कि दो भाग क्या
मिथ्या होते ही ना द्वैत है, जहाँ पे मिथ्यात्मक द्वैत दिखाई पड़ता है अद्वैत सविरोध भी, वहाँ पे अद्वैत का विरोध नहीं होने पर भी परमार्थ होते ना तेना मतलब द्वैती ना है ना परमार्थ हो तो आकाश वायु सत्य मान लिया उसने रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सत्य मैं भी जो द्वैतवादी भी अद्वैतवादी दोनों ही मिथ्या मानते हैं उसको लेकर तो विरोध नहीं है परंतु आजादी प्रपंच दिखाई पड़ता है ये तो मिथ्या नहीं है ऐसा पूछेगा उसके साथ हमारे सिद्धांत का विरोध हो जाएगा फिर बोलते हैं परमार्थ हो देना देना विरोध सात यदि आशंका ऐसा पूर्ववादी शंका करने पर अरे तथा विदर द्वैतमेव नास्ति इस प्रकार द्वैत तो कुछ पारमार्थिक है ही नहीं उसके साथ विरोध ना दे दो पारमार्थिक वस्तु में विरोध होना संभव है व्यवहारिक दो वस्तु में विरोध होना संभव है और दोनों को सत्य है भिन्न भिन्न है एक पारमार्थिक सत्य एक प्रतिभाषी का व्यवहारिक सत्य विरोध ना शुरू जिस प्रकार हम जो स्वप्न में एक जो बहुत बड़ा पहाड़ देखते हैं अपने कमरे के अंदर कमरे के अंदर टूट जाता है कि नहीं जाता है रात में आपने स्वप्न देखा कि मैं हिमालय के चोटी पे तेरा बहुत बड़ा हिमालय कहाँ से होकर के देखा कमरे में कमरे की दीवार वीवार टूट गया कि नहीं टूट गया क्यों क्योंकि तो प्रतिभाषी है तब इसी प्रकार से उनके अस्पताल फार्मासी कोई द्वैत तो है ही नहीं द्वैत तो शास्त्र में पूरा निषेध करता है इसलिए उसके साथ विरोध कहाँ से होगा इसलिए होता है तथा विधम द्वैतम एव नास्ति तथा विधम मतलब इस प्रकार पारमार्थ भूतम ये पारमार्थ तथा भूतम मतलब पारमार्थ भूतम मतलब तथा विधम द्वैतमेव नास्ति इस प्रकार द्वैत है ही नहीं प्रीति मत्व इस मन में रखकर तो उत्तर देता है तेषाम उभयथा द्वैतम तेषाम मतलब द्वैतवादिनम वो पारमार्थिक मतलब अच्छा आपको बताओ हमने ऐसा बोला क्या बोला निमता मिथ्या विश्ववा शत्रुवा आप बोलेंगे नहीं अद्वैत मिथ्या ये तो क्या तो विशिष्ट हमने बोला द्वैतम मिथ्या दृश्यत्वा स्वप्न दृश्यवा तुम बोलोगे अद्वैत मिथ्या अद्वैत मिथ्या दृष्टांत के आलोक में होता है अद्वैत दृश्य है कि हमारे जाते गला विषय को कहीं अदृश्य अदृश्यता दृष्टांत तब अद्वैत क्या हो जाएगा तुम अपना अनुभव को बंधापुत्र की तरह मानोगे तुम तुम बंधापुत्र हो जाओ जैसे वेदांत अब दर्श होती है स्थिति को क्या स्थिति को बना स्थिति ऐसा है यदि कोई कहता है कि जो है कि अद्वैत मिथ्या अदृश्यत्वा जैसे वेदांत अदृश्यत्वा बंधापुत्र होगा क्या था लोगों तो सर्ग में चाह तो पूर्व में मतलब से डंडा लेकर के बैठेगा आपको ऐसा कोई देखना पड़ेगा सिस्टम ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो दृश्यपति में नहीं है आप बोलते से ईश्वर नहीं है ईश्वर नहीं है क्योंकि दिखाई नहीं देता मंगा पुत्र के समान ठीक है ना जैसे कोई बोलते हैं बोलते हैं भैया इधर सुनो पक्ष को लेकर के विवाद होता है कभी भी नहीं होता है पक्ष के ऊपर कोई वस्तु को सिद्ध करने के लिए विवाद होता है आपने किसको पक्ष बनाया ना ईश्वर को अथवा अद्वैत को पक्ष को उसके लेकर के विवाद है नहीं उसको तो पक्ष की तो मान्यता आपने दे दिया फिर लड़ाई क्यों करोगे पक्ष को लेकर के विवाद नहीं होता पक्ष को ऊपर कोई वस्तु को सिद्ध लेकर के अनुमान दे दिया जाता है आप यदि अद्वैत भी पक्ष बना दोगे अथवा आपके बोले आज हम बोलते हैं विमतम विवादास्पद जगत कि विवाद विवाद के स्थान है विवाद आत्मा पर विवाद विवाद अस्पर पर द्वैतम किसी है कोई बात नहीं मतलब आपके लिए दृष्टांत तो कुछ भी नहीं है दृष्टांत तो देने जाओ या अपना अनुभव से प्रयोग हो जाए परंतु हमारे यहाँ के जो दृष्टांत है क्या है आपको अनुभव में आ जाएगा जब अभी हमें बोलेंगे इस प्रकार हम ध्यान में जाते हैं तुम अकेले में नहीं थे कोई भी विषय नहीं है तुम मान जाए मानव जाता कि नहीं है अपना अस्तित्व समझ में आता कि नहीं है ये तो ऐसे ही चलते जो सबसे बड़ा प्रश्न है वेदांत में शास्त्र के साथ अनुभव प्रमाण बड़ा प्रमाण हम तो अनुभव प्रमाण तो शुरू में नहीं बोल सकते हैं शास्त्र में तो आपको शब्द लेके विवाद करना पड़ेगा इसलिए हम बोलते हैं कि उन लोगों का तो दोनों अवस्था में द्वैत है दोनों अवस्था में द्वैत है इसलिए जो है उनके साथ हम विवाद किया जाए अब जो है यहाँ पे लेकर के देखिए भाष्य करके देखो द्वैती नाम परमार्थत्व अपरमार्थ न द्वैतम एव व्यवहार गोचरी भूतम द्वैतवादियों का पारमार्थिक किसी से भी द्वैत है और अपारमार्थिक किसी से भी द्वैत है
है ना, मतलब हमारे पास तीन शब्द हम कहते हैं, मतलब समझा नहीं कि एक पारमार्थिक शब्द है, व्यवहारिक शब्द है, प्रातिभाषिक शब्द है, मंडूकारी का तो दो ही बोलते हैं, पारमार्थिक शब्द और प्रातिभाषिक शब्द है ना, मतलब उनके पास तो सब एक ही है, इसलिए हमें बोलते हैं द्वैतिनाम परमार्थत्वेन द्वैतवादी सिद्धांत में परमार्थत्वेन अपरमार्थत्वेन च पारमार्थिक दृष्टि से अथवा अपरमार्थिक दृष्टि से द्वैत में वो व्यवहार गोचरीभूतम द्वैत ही जो है व्यवहार के विषय बन जाते हैं, इसलिए उनके साथ हमारा विरोध कहाँ से होगा। तच्च संप्रतिपन्न द्वैतवत मिथ्या इति एव स्थिते, वो जो है वो जो द्वैत प्रपंच जहाँ पे आपकी मानना चाहे उसकी तरह ये जो भी आप यहाँ पे आप सत्य कहना चाहते वहाँ भी यही सिद्धांत करने को भी मिलता है। आठ नंबर टिप्पणी में उसका स्पष्टीकरण आएगा, तच्च संप्रतिपन्न मतलब उभयवादी संपन्न द्वैतवत मतलब संपन्न उभयवादी संपन्न द्वैतवत द्वैत के समान वो भी मिथ्या है, जहाँ जिसको तुम सत्य मान रहे हो जहाँ पे उभयवादी संपन्न मिथ्या है उसके द्वारा वो भी मिथ्या है, एवं स्थिति न द्वैतेन अद्वैतस्य विदेशिने द्वैत के साथ अद्वैत का विरोध नहीं हो सकते, विरोध शक्य शंक भवति इसलिए यहाँ पे भी शंका भी नहीं पूछ सकता है, इसको मान लिया तो आठ नंबर तक पढ़ने के लिए पाँच छः सात सात नंबर पाँच 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 वाक्य वाक्य है ना, वाक्य प्रयोग के द्वारा कह दो कि अद्वैत जो सत्य है ये तो इतमान भाते हमेशा विरोध नहीं है, अब विरोध तो दिखाई पड़ता है, इसे बोलते हैं वाक्य प्रयोग। छः नंबर मिथ्या भूतेना, छः नंबर टिप्पणी में देखिए मिथ्या भूतेना रज्जु उरगादि प्रातिभाषिकेन द्वैतेन इति अर्थ, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है प्रातिभाषिक वस्तु के समान मिथ्या भूतेना द्वैतेन अद्वैतस्य अविरोधी अपि परमार्थ भूतेन, एक तो ठीक है वो वादी भी रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्व मिथ्या मानते हम भी मिथ्या मानते हम गलत कुछ नहीं मिथ्या मानते, चलिए हम बोलते हैं कि मिथ्या भूतेन मतलब रज्जु उरगादि प्रातिभाषिकेन द्वैतेन उसके साथ तो किसी का विरोध नहीं है, परंतु परमार्थ भूतेन साथ मतलब व्यवहारिक आकाश आदि द्वैतेन व्यवहार आकाश उसके साथ तो हमारे सिद्धांत का विरोध हो जाएगा, बोलते नहीं नहीं हम तो आकाश तक ये वस्तु को मिलते ही नहीं, इसीलिए तत्व परमार्थत्व अभिमतम द्वैतम, देखा ये पक्ष हो गया, ये पक्ष हो गया जिसको तुम पारमार्थिक सत्य रूप में जिस द्वैत को तुम मानती हो परमार्थत्व अभिमतम द्वैतम पर जो द्वैत परमार्थ सत्य इस प्रकार मानते हो वो भी मिथ्या ही है, वेदांतिक सिद्धांत तो मिथ्या ये शब्द है, अकस्मात जो रजत उसके समान जो है ये जो है जो भी आपको द्वैत प्रपंच सत्य रूप में दिखाई दे रहा है वो भी पारमार्थिक सत्य नहीं है, क्योंकि द्वैत होने के कारण जिस प्रकार शुक्ति का ऊपर दिखाई दे रहा है रजत पारमार्थिक सत्य नहीं है, अथवा मरुभ में दिखाई दे रहा है पानी पारमार्थिक सत्य नहीं है, अधिष्ठान सत्य हो जाएगा ठीक इसी प्रकार, क्योंकि अनुमान हम यहाँ पे नितव्य की अनुमान को यहाँ पे समझना है, कहाँ पे संप्रतिपन्न द्वैतवत हो गया आपका दृष्टांत, संप्रतिपन्न द्वैतवत और मिथ्या हो गया साध्य ठीक है, ऊपर टीका काटी पंक्त में क्या लिखा संप्रतिपन्न द्वैतवत है संप्रतिपन्न श्रुति रूप्यादिवत ठीक है, द्वैतवत इसको यहाँ पे ये हम इसको दिए है दृष्टांत के रूप में दे दिया और मिथ्या हो गया साध्य ठीक है ना, हेतु के लिए द्वैतत्व मतलब भेदत्व इसलिए पारमार्थत्व अभिमतम द्वैत जो आप द्वैत प्रपंच पारमार्थिक सत्य है इस प्रकार जो तुम मानते हो हमारे वेदांतिक सिद्धांत में चाहे सबसे जहाँ द्वैत भेद दिखाई देगा समझना मिथ्या है, जहाँ भेद दिखाई देगा समझना वो मिथ्या है, प्राकृतिक है ठीक है शरीर दृष्टि से भेद दिखाई पड़ता है परंतु वो तो शरीर इंद्रियों के मन के स्थूल वस्तु के ग्रहण कर पाता है, जब तक इसके अंदर विद्यमान जो जैसे आकाश हो अथवा वायु हो ये भी है सबके अंदर इसी प्रकार उससे भी शुभ मतलब आत्मा के कोई भी पता नहीं है उनको मान्य रखते होते हैं, इसीलिए उनके साथ हमारा विरोध नहीं है, द्वैतेन अद्वैत से विरोध शब्द शंक भवति वहाँ पर कोई प्रकार की विरोध की शंका भी उठाना संभव नहीं है, इसलिए अब जो है श्लोक प्रतिषेधम प्रश्न करोगी
इस श्लोक के द्वारा जिस शंका प्रश्न को निराकरण करना चाहते हैं उसको भगवान नमस्कार दिखा रहे हैं। ठीक है ना, आपने बोला हमें तो शब्द वगैरह बिल्कुल विरोधी दिखाई पड़ते हैं, किस कारण से आप बोलते हो कि द्वैतवादियों के साथ अद्वैतवादियों का कोई विरोध नहीं है, ये कैसे कह सकते हो तुम? श्लोक का निषेधम, इस श्लोक के द्वारा निराकरण करने योग्य जो शंका प्रश्न मतलब शंका उसको भगवान भाष्यकार उठा रहे हैं। हम प्रश्न करो कि भगवान भाष्यकार तब ऊपर भाष्य में किस कारण से आप कह रहे हो कि द्वैतवादियों के साथ अद्वैतवादी का कोई विरोध नहीं है? यदि ऐसे जब कहते हैं तो उच्च के सुना हमारा अभिप्राय क्या है? जब बोलते श्लोक अक्षराणाम अर्थम अर्थम आचक्षण हेतु, श्लोक में आए हुए हैं पदों के अर्थ को करते हुए हेतु के यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, क्यों द्वैत के साथ अद्वैत का विरोध नहीं है, क्यों द्वैतवादियों के साथ अद्वैत का विरोध नहीं है, यहाँ पर नहीं है। अद्वैतम परमार्थ ही, क्योंकि अद्वैत पारमार्थिक स्थिति दसमात, क्योंकि अद्वैत पारमार्थिक स्थिति द्वैत मतलब नानात्म भिन्नत्म तस् अद्वैत से तद भेद अद्वैतम श्लोक के देखिए अद्वैतम परमार्थ ही अद्वैत पारमार्थिक स्थिति है, क्योंकि द्वैतम जो भेद आपको दिखाई पड़ते हैं वो द्वैतम मतलब नानात्म तद भेद समाषपद है, तद भेद मतलब तस् अद्वैत भेद तद भेद मतलब तस् भेद षष्ठी तत्पुरुष समास है, तस् से क्या कहेंगे अद्वैत, इसलिए तस् अद्वैत भेद तद भेद है ना, मतलब क्या हमने कार्य कारण का ही एक संस्थान विशेष है, कार्य कारण को छोड़ता है तो भिन्न वस्तु नहीं है और कभी भी कारण अपने कार्य के साथ विरोध नहीं करता, कभी भी कारण अपने कार्य के साथ विरोध, क्योंकि कारण के ऊपर ही तो उसका सत्य टिका होता है, विरोध करने से कैसे रह सकता है, कार्यांतर कार्यांतर के साथ विरोध करता है, इसलिए ना तस् अद्वैत भेद तद भेद तस् कार्य द्वैत अद्वैत का एक कार्य है, एक इफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दिस इज द रीजन दैट मीन्स लोग के कोई अधिष्ठान है और उस अधिष्ठान होने के कारण ही वो अज्ञान से अनेक रूप में दिखते हैं, जिस प्रकार एक ही रज्जु यह सर्प उचित गंधर माला के जिन रूप में दिखती है प्रतीति होती है अज्ञान के कारण, इसलिए बोलते हैं और ये सब जितना भी भ्रांति से प्रतीति हो रहा है वो एक ही रज्जु के अधिष्ठान का भेद मात्र है, तो कार्य मात्र है, कार्य परंतु अधिष्ठान वहाँ पे क्या है पारमार्थिक शब्द है एकमेव द्वितीय अधिष्ठान है सजातीय विजातीय शब्द भेद से नहीं चाहिए और उसी ने तेज अस्थिर तब उसी ने जो है अपने को तेज रूप में विवर्तित किया मतलब उसके अभिव्यक्त किया, इस प्रकार से यानी कि जो कारण है वही इस रूप में प्रतीत होता है, जो कारण है वही कार्य के अंदर अनुसूत होगा कि भिन्न रूप में प्रतीत हो जाए, वो कार्य का ही कारण से भिन्न नहीं है, ये तद भेद द्वैत अद्वैत का एक विशेष स्थिति, परंतु परिणाम बाद में जैसे आप मृतिका के एक संस्थान विशेष रूप में भरा को देखते हैं कि उस प्रकार का तत्वीय संस्थान विशेष इस पद को हम देखते हैं, इस प्रकार से वो जो अद्वैत रूपी अधिष्ठान है वो परिच्छिन्न वस्तु नहीं है, परंतु वहाँ के इस प्रकार परिणाम होना संभव नहीं है, विवर्त रूप में देखते माया की महिला है, केवल इतना ही युक्ति से जब इसको समझ सकते युक्ति से भी आप इसको समझ सकते हैं, कैसे स्वचित्त स्पंदन अभावे समाधो मूर्छायाम सुषुप्त च अभाव, ये जितना द्वैत प्रपंच आपको दिखाई पड़ते हैं यदि आप चित्त स्पंदन को चित्त वृत्ति को रोक पाते हो तो आपको इस द्वैत प्रपंच नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, स्वचित्त स्पंदन अभावे अपनी चित्त की जो स्पंदन वृत्तियाँ है ना उसकी यदि आप रोक पाते हो समाधि अवस्था है चित्त वृत्ति निरोध कर सकते हैं, मूर्छा अवस्था सुषुप्ति अवस्था द्वैत प्रकृति का अभाव कोई बोध नहीं है। ठीक है ना, स्वचित्त आप देखिए हम तो सो गए दूसरे को तो द्वैत दिखाई दे रहे हैं उससे मतलब नहीं है तुम्हारा, इसलिए अपने चित्त उस स्पंदन को रोकने का तुम्हें द्वैत प्रपंच नहीं दिखाई देगा, इसीलिए हमें बोलते हैं स्वचित्त स्पंदन अभावे समाधो मोक्षायाम सुषुप्त द्वैत अभाव द्वैत प्रपंच का अभाव हो जाता है, अभी हम एक नंबर टिप्पणी देते हैं स्वचित्त स्पंदन
चित्तस्य तत्तद् विषय आकार परिणाम स्पंदन अवश्य ये चित्त ही उस विषय आकार में परिणाम होता है। ऐसा अभी चित्त स्पंदन यही है। चित्त स्पंदन क्या है? जन्मांतरी संस्कार के अनुसार कोई वस्तु दिखती है तो तुरंत उसको तदाकार वृत्ति करके फिर अंकुर कभी बुद्धि करके चित्त बुद्धि के साथ क्या करते हैं, मैं चाहिए अथवा नहीं चाहिए इस प्रकार भावना भी बनाते हैं। ये चित्त स्पंदन है। इसलिए बताए चित्तस्य तत्तद् विषय आकार परिणाम, चित्त का उस विषय आकार में परिणाम होना, इसी माध्यम चित्त स्पंदन शब्द द्वारा कहा गया। अतः तद भेद उच्चते द्वैत, इसलिए द्वैत प्रपंच अद्वैत का एक विशेष स्थिति है। यद्यपि यहाँ पे विशेष स्थितियां बोल रहे हैं तो परिणाम पद को आश्रय करके नहीं बोल रहे हैं, विवर्त को आश्रय करके बोल रहे हैं। अतः तद भेद उच्चते द्वैत, अद्वैत की एक विशेष स्थिति को द्वैत कहा जाता है। दो नंबर टिप्पणी, अतः अद्वैतस्य द्वैत पूर्व वृत्तित्वात्, अद्वैत कार्यस्य क्षेत्र पूर्व वृत्तित्वम कारणम, कारण ही कार्य लिखने अद्वैत पहले द्वैत पहले इसीलिए अद्वैत कार्य द्वैत कार्य द्वैत कार्य में घुसा हुआ है ना। इसीलिए है अद्वैतस्य द्वैत पूर्व वृत्तित्वात्, कारण ही कार्य में घुसा हुआ रहता है, कार्यस्य नियत पूर्व वृत्तित्वम कारणम, तो अद्वैत कार्य द्वैत रूपी कार्य का नियत पूर्व वृत्ति में रहते हैं। इसीलिए जो है वहाँ पे किसी को इस अद्वैत का ही क्यों भेद नहीं है, ये बहुत अच्छी बात। क्या प्रश्न उठाया? प्रश्न ये उठाया कि द्वैतवादियों के साथ अद्वैतवादी का विरोध क्यों नहीं है? उनके क्यों नहीं है, क्योंकि अद्वैत द्वैत जो अद्वैत के ऊपर तो दिखाई पड़ रहे हैं और कारण कभी अपने कार्य के साथ विरोध नहीं करता, परंतु अद्वैत के साथ द्वैत का कभी विरोध नहीं हो सकता। अतः इस चीज को अच्छी तरह से समझना, परंतु कभी कोई द्वैतवादी के साथ किसी प्रकार के अंतर तत्व विचार को ध्यान में नहीं फंसना, ये समझना ठीक है। समझने के लिए किसी की आलोचना करना वो अलग है। यहाँ पे बोलते हैं अत्र तद भेद उच्यते द्वैतम, सीधे द्वैत उसका भेद कार्य करते हैं, अद्वैत से द्वैत पूर्व वृत्ति का द्वैत के पूर्व में रहता है। द्वैतीनाम तो तेषा, परंतु तेषाम द्वैतीनाम मतलब यहाँ पे भंगुर में क्या है, तेषाम उभयता द्वैतम, तेषाम शब्द का क्या अर्थ करते हैं, द्वैतीनाम तो मतलब द्वैतियों के तो तेषाम परमार्थतश्च अपरमार्थतश्च, हमारे यहाँ पे पारमार्थिक स्थिति है एक प्रातिभाषी का व्यवहारिक स्थिति है, उनके यहाँ पे चाहे पारमार्थिक स्थिति हो चाहे व्यवहारिक स्थिति हो उभय अवस्था में ही द्वैत रहता है ना। पारमार्थिक और पारमार्थिक उभय द्वारा द्वैत भेद मनाई जाएगा। यदि च तेषाम भ्रांतानाम द्वैत दृष्टि अस्माकम अद्वैत दृष्टि अभ्रांता, ठीक द्वैत दृष्टि है ये जो वृत्ति का है ये जो सुवर्ण आपको अलंकार भी नाना रूप में दिखाई देते हैं, तो अलंकार नाना रूप में देखना ये अज्ञान का कार्य है, परंतु सुवर्ण भी केवल सुवर्ण में देखते हैं। वृत्ति का के दाना द्वारा बना हुआ जितना आपका अमस्त्र मतलब उपकरण हमको दिखाई पड़ता है, भेद देखना सब मतलब चक्षु की बात है, परंतु उसी का अंदर एकत्र में देखना हमारे मुख्य वो उच्च दृष्टि। इसलिए बताइए यदि क्या भ्रांतानाम दैत दृष्टि है कि उनके भ्रांतियों का द्वैतों का भ्रांत भ्रांता नाम तेषाम भ्रांता नाम भ्रांत है, तो परमात्मिक वस्तु को देखने का अभ्यास नहीं किया। द्वैत दृष्टि अस्माकम अद्वैत दृष्टि, हम लोगों से जो अद्वैत दृष्टि है वो अभ्रांत दृष्टि। जब तक हम भेद देखते रहेंगे तब तक समस्या की आंख और बुद्धि और उसके पीछे तत्व बैठे और उस कार्यक्रम में देखना नहीं सीखा है ना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को क्या बोलते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् तं सर्वशरणं अविश्यं अविनश्यं तं विनश्यति सपश्यति विनश्यति सर्वेषु भूतेषु स्वयं तद्धनं विनश्यति विनश्यति सर्वेषु भूतेषु समम अविनश्यं परमेश्वरं जपश्यति सपश्यति। इसे देखो एक द्वैत एक भ्रांत दृष्टि एक अभ्रांत दृष्टि। वेदांति ने भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा बोलते हैं भ्रांत दृष्टि क्या है और भ्रांत दृष्टि क्या है ना। तो संत विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु समम अविनश्यत्वं परमेश्वर जो पश्यति स पश्यति। इसके अंदर बोलते हैं कि यदि च तेषां भ्रांतानां दैत्य दृष्टि अस्माकम् अद्वैत भ्रांतानां तेन अयं हेतुना अस्मत् पक्ष न विरुध्यते। इस कारण से हम जानते हैं कि मैं ही किस अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा हूँ,
जब आपको अद्वैत तत्व का दर्शन हो जाएगा उसमें आपको तब क्या रहेगा, ये मैं ही इतने सारे रूप में दिखाई देगा, किसी के साथ कोई विरोध भी नहीं होगा, किसी की प्राप्ति भी इच्छा नहीं होगी। इंद्र माया भी पूर्णीये परमात्मा अपनी माया शक्ति से आप इंद्र माया भी पूर्णीये नंबर मधुब्राह्मण लास्ट में आया मधुब्राह्मण लास्ट में आया इंद्र माया भी पूर्णीये इंद्र द्वैतिना भ्रांत के प्रमाण द्वैतवादियों को भेद दर्शन ये कोई पारमार्थिक नहीं है, एक विषय में सूर्य प्रमाण बोल रहे प्रमाण इंद्र माया भी मतलब माया उपाधि भी माया तो एक है बहुवचन प्रयोग कर दिया माया भी माया कितने हैं क्या क्या होना चाहिए था एक वचन में प्रयोग करेंगे तो माया माया के द्वारा मतलब माया की उपाधि अनेक हो जाते हैं उपाधि भी माया भी मतलब उपाधि भी मतलब माया की माया नहीं दिखाई पड़ता माया की कार्य दिखाई पड़ता इसलिए हम बोलते हैं माया भी उपाधि भी पूर्ण रूप हम पूर्ण मतलब बहु रूप अनेक रूप धर्म करते हैं मतलब प्रतीयते इंद्र माया भी पूर्ण रूप ईयते मतलब परमात्मा अपनी माया शक्ति से उपाधियों के भिन्न संग्रह अनेक रूप में दिखाई देते हैं उसी में आया हुआ है नहीं ऐसा क्या सदस्य रूपम प्रतिचक्षणानूपम अपने ही महिमा को अपने आप देखने के लिए आपने को अनेक नाम को अभिव्यक्त करके तो आपने आप उसको मिला इंद्र माया भी सूर्य और भी क्या बोलती है न तो तब द्वितीय वस्तु उससे भिन्न करके संसार में कोई भी वस्तु नहीं है यदि भिन्न करके कोई देख पाएगा तो उसका देख ही नहीं पाएगा अस्तित्व शुद्ध नहीं होगा इसलिए बोलता है न तो तब द्वितीय वस्तु आठ नंबर के अद्वैत अभ्रांत प्रमाण द्वैत भ्रांत मूलक है क्या प्रमाण दिया उसके लिए इंद्र माया भी आपने हॉल में जा करके पैसा दे करके टिकट खरीद करके मजा लेने के लिए अपने जादू देख रहे आते हैं अपने आप ही निकाल करके बोलता है वो तो सब माया ही है वो सब कुछ नहीं होता किसी को देखते हैं परंतु अब जो है अद्वैत सत्य अगर कैसे बोलेंगे न तो द्वितीय औषधि बात है उससे भिन्न करके संसार में कोई वस्तु नहीं है न तो द्वितीय मस्ती अतः अन्न विभक्तम जब पश्य मैत्री नाम न तो द्वितीय मस्ती अतः अन्न विभक्तम जब पशु शाला कार्य कोई दिव्य नहीं है इसलिए यहाँ पे बोलते हैं अद्वैत नाम अभ्रांत के प्रमाण अहोभ्रांति है जो विषय में प्रमाण को कहते हैं अब एक दृष्टांत देकर के समझाया सूर्य प्रमाण दिया अपने प्रतिज्ञा दिया कि भेद नहीं तो विरोध नहीं है एक दृष्टांत द्वारा समझा के अगर विरोध कैसे नहीं है एक राजा हाथी के ऊपर चढ़ के चला और एक सामान्य व्यक्ति शराब पी के रास्ते से जाता वो सोचा मैं भी हाथी में बैठा ए राजा चढ़ा दे तेरे हाथी मेरे ऊपर राजा चढ़ाएगा क्यों नहीं चढ़ाएगा क्यों नहीं चढ़ाएगा मेरे ही राज्य पर कल्याण और उसको मैं भी हाथी में बैठा हूँ ये सब लड़ा करके किसके हाथी अधिक बलवान है ऐसा बोलते राजा क्या करें उसको हाथी चढ़ाए किसी को रिश्ता में देखने बनवाइए चाचा मत गजारूढ़ प्रति गज आरूढ़ो अहम बाहय माम प्रति गुणवानम अपि तम है ना गुणवानम अपि तम प्रति न बाहयति अविरुद्ध बुद्धिया तद्वत ठीक है ना जैसे क्या होता है जैसा जैसे कोई एक मतलब मत गज आरूढ़ कोई एक हाथी जो अपना अच्छा नहीं है चाहे वो मत हाथी है उसके ऊपर आरू कोई व्यक्ति आरू आरू का प्रथम एक वचन है और उन्मत्तम भूमिष्ठम है ना जो एक भूमि में खड़ा है एक पागल व्यक्ति
के पागल गए, यहाँ पे मत तो गजान गुरु मत पर क्या हो जाएगा, अपने भक्त ऐसे शिवनाथ के मस्ती में बैठ गए, है ना। और उन्मत्त भूमिष्ठ मतलब उद्वैत को लेकर के लड़ रहा, उन्मत्त भूमिष्ठ प्रति गजारूढ़ अहम, वो भी क्या बोलता है, मैं भी हाथी में बैठा हूँ, हमारी सिद्धांत तो सही है, गजारूढ़ अहम बाहयो माम प्रति, तुम्हारे हाथी को मेरे साथ लड़ा करके देखो कौन अधिक बलवान है, बाहयो माम प्रति मेरे प्रति हाथी लड़ी थी, गुरबाना मत हो ऐसा बोलने पर भी, वो ऐसा बोलने पर भी तम प्रति, तम प्रति न बहायती, उस भूमिष्ठ व्यक्ति के प्रति वो हाथी उसकी तरफ नहीं ले जाता, नहीं मतलब विरोध नहीं देखता है ना, क्योंकि राजा जानता है श्री दृष्टांत दिया, राजा जानते हैं कि हमारी राज्य में प्रजा उसको कुछ ठेस पहुँचाना था मेरे की उसको भर पुलिस पकड़ कोई दुर्घटना होता है सरकार की तरफ से भुगतान करना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार पहले जमाने से था राजा यदि जान बुझे किसी को क्षति पहुँचेगा राजा भी उसको भुगतान करना पड़ेगा, इसलिए क्या बोलते हैं गुरुमान और किसान प्रति ना महाव्यक्ति प्रति जो है उसको हाथी को नहीं ले जाता, क्यों अविरोध बुद्धिया उसके साथ में कोई विरोध नहीं है, तद्वक्ति किसी प्रकार यहाँ भी समझनी चाहिए, किसी प्रकार यहाँ भी समझ दृष्टान्त और दृष्टांत अच्छी दर्शन करना, दृष्टांत में क्या बोला, एक पागल हाथी के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जमीन में खड़ा है कोई पागल के दुष्ट, तुम्हारे हाथी पागल ऊपर बैठा हो व्यक्ति पागल नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे वो क्या हुआ कि नीचे जमीन में खड़ा हुआ व्यक्ति जिसको कहता है कि अरे मैं भी हाथी में बैठा हूँ चलाओ तुम्हारे हाथी मेरे ऊपर देखता हूँ कुछ कहाँ के अधिक बलवान है, उसको देखिए उसको दिखाई दे रहा है हाथी में बैठा हुआ नहीं, उसके साथ विरोध नहीं करता, अविरोध हाथी का जैसे कैसे रिश्ता में लेकर हमारे लोग हाथी में जाते हैं उस समय, वो अभिप्राय यहाँ पे ही है कि अद्वैत सिद्धांत की मस्ती में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, अगर कोई द्वैतवादी कहते हैं कि अरे मैं भी मस्ती में रहता हूँ, उसके साथ कोई विरोध नहीं करता है कि जानते हैं कि द्वैत में तो मस्ती हो ही नहीं सकती, आज यदि होगा भी जिस प्रकार मान लीजिए आजकल के लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करेंगे, मस्त में जाएंगे शराब पीएंगे, शराब पी खरी खरी के खाएंगे फिर शरीर आखिर में बैठ करके वो जिसको आनंद नहीं है वो उन्हें नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। सामान्य व्यवहारिक जगत में भी देखिए कि अद्वैत की क्या महिमा है, वर्तमान में जगत में इतने सारे जो भौतिक चित्त तक महत्वाकर्षण करता था क्योंकि कोई व्यक्ति परमात्मा सुखी नहीं है, अरे दुखी हो जाए तब तो अकेले में अपने भी रहना सीखा, जो व्यक्ति वो व्यक्ति के पास कुछ करके देखो वो धीरे देर बाद दुखी नहीं है, वो भी पूरा शराब की आने के बाद करके अभी आपको थोड़ा चिंता को दुखी होगा टेंशन करें, इसीलिए हम बोलते हैं यथा मत उन्मत्तम भूमिष्ठम प्रति गज आरूढ़ अहम, मैं भी घोड़े पे आप घोड़ा मैं भी हाथी में बैठा हुआ हूँ बाहयो माम प्रति मेरे पर तुम्हारे हाथी को चलाओ, क्योंकि गुरबानन अभी इस प्रकार से वो जमीन में खड़ा हुआ व्यक्ति ऐसा बोलने पर भी तम प्रति उसके प्रति मतलब उस उन्मत्त व्यक्ति ना बाहर उसके प्रति हाथी को जाकर नहीं ले जाता, क्यों अविरुद्ध बुद्धिया अविरुद्ध बुद्धि के कारण तद्वत किसी प्रकार की हाँ भी समझना चाहिए, इसी प्रकार द्वैत सिद्धांत के साथ अद्वैत सिद्धांत का कोई जरूरत नहीं है, अतः परमार्थ तो ब्रह्म भी आत्मा ही तो द्वैत नाम, इससे क्या कितना सुंदर शब्द भगवान ब्रह्म भी आत्मा ही तो द्वैत नाम, ब्रह्म तक समस्त द्वैतवादियों का तो स्वरूप ही आत्मा ही तो है, बुलाते हैं मैं सभी आत्मा उसमें बैठा हुआ हूँ, भाषा भाषा पर अपना अनुभव शब्द लिखते हैं किंतु वहाँ पर नहीं लिखते सत्य, इसके फलस्वरूप मतलब द्वैत अभाव द्वैत प्रपंच की पारमार्थिक स्थिति नहीं होने के कारण परमार्थ और पारमार्थिक युद्ध से ब्रह्मविद आत्मा ही बदल देना, ब्रह्मविद का पुरुष समस्त द्वैतवादियों का तो आत्मा ही हो जाता है, विरोध किससे करे हो मैं अपने आप अपने से विरोध नहीं कर सकता, इसलिए देखो परमार्थ और ब्रह्म भी आत्मा ही बदल देना, ब्रह्मविद का पुरुष सभी द्वैतवादियों का भेदवादियों का आत्मा पुरुष स्वरूप पुरुष होता के बैठा होगा, इसलिए छात्र विरोध करते हैं ना अयम हेतुना तेना हेतुना अयम अस्मत् पक्ष ही हमारी जो अद्वैत पक्ष है कहीं न विरुद्ध थे पुरुषा तो विरोध नहीं है, तो विरोध नहीं है, मैं तो बता रहा था आपको कि मधुसूदन सरस्वती का भीष्म का दिखा दिया और द्वैत सिद्धांत को खंडन करने के लिए एक ही शब्द नहीं है, केवल अद्वैत को विरोध में मत मतलब अपना जो है न्यायाम प्रकार ने जो लिखा हुआ है केवल उसको खंडन करता है, एक ही शब्द द्वैत को खंडन करते
श्लोक अक्षराणाम श्लोक अक्षराणाम अर्थम आचक्षण हेतु श्लोक की अक्षर का प्रयत्न उसका कारण को कहते हैं उच्च भी उच्चत मतलब अद्वैत परम द्वैत अद्वैत कार्य के प्रमाण अहम ये द्वैत जो है अद्वैत का ही कार्य है अद्वैत को कोई दिखाई पड़ते जिसने प्रमाण क्या है स्तुति प्रमाण के आधार पर द्वैत अद्वैत कार्य अवगमा द्वैत प्रपंच अद्वैत का ही कार्य है ऐसा समझ में आने के कारण कार्यस्य कारणात् अभेदेन सॉरी कार्यस्य कारणात् भेदेन सत्य निषेधात् सेकंड देखो कार्य का कारण से अलग करके सत्य कभी प्राप्त ही नहीं हो सकती है ना कार्यस्य कारणात् भेदेन कार्य का कारण से भिन्न करके सत्य निषेधात् उसकी सत्य को निषेध किया गया है मतलब कार्य कभी अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकते सेकंड देखो थर्ड न अद्वैत दर्शन द्वैत दर्शन विरुद्धम इतिहास इसलिए द्वैत दर्शन के साथ अद्वैत दर्शन का कोई विरोध नहीं है ये अभिनय करते हैं ठीक है क्या कह दिया श्रुति प्रामाण्य श्रुति प्रमाण की बल से द्वैत अद्वैत कार्य अवगमान द्वैत अद्वैत अद्वैत का ही द्वैत जो है अद्वैत का जो विवर्तन है ऐसा समझ में आने के कारण उसके क्या है कभी भी कार्य अपने कारण को छोड़ करके सत्ता स्मृति को प्राप्त नहीं कर सकता है कार्य से कारणा भेदेन सत्ता निषेधा कार्य का कारण से भिन्न करके कभी सत्ता ही प्राप्त नहीं कर सकता है इस कारण से है ना दूसरा इसका हेतु है जो कारण के सत्य रूप में कहा गया तब सत्य अवधारणा कारण के सत्य रूप में कहा गया है कार्य को नहीं कहा गया है इसलिए अद्वैत धारणा ठीक सत्य है और श्रीदेव के कथा दूसरा को भेद नहीं आता विरोध नहीं है न द्वैत न अद्वैत दर्शन अद्वैत दर्शन द्वैत दर्शन द्वैत दर्शन के साथ विरुद्धम के साथ विरोध नहीं है इसी बात का दूसरे नौ नंबर की टिप्पणी नौ नंबर की टिप्पणी कार्य व कारणम अति अन्वितम अस्तु जिस प्रकार आपने कार्य को मिथ्या कहा तो कारण भी मिथ्या हो जाएगा कार्य मिथ्या होगा तो कारण भी मिथ्या होगा क्योंकि कारण तो नहीं कार्य में आएगा तो कार्य मिथ्या होगा कारण भी मिथ्या होगा ऐसा कोई शंका करता बोलते नहीं नहीं क्योंकि वहाँ पे कारण के वृत्ति का एक सत्य तक सत्य आत्मा तत्व में उसका दो जगह मिलेगा दृष्टांत भी दिखाया दृष्टांत भी दिखाया वृत्ति का आदि दृष्टांतों के द्वारा कारण जो सत्य तत्व को दिखाना चाहते हैं और उसी को तत्व महाभारत में नौ बार बोला कि वही सत्य है तक सत्य तक सत्य तक सत्य होते हैं कि कार्य के बाद कारण में भी आते सब कार्य के समान कारण भी जुड़ा होगा कहते अस्तु ऐसा हो जाए कोई ऐसा कहे तो उसके उत्तर में नहीं नहीं उसे कहते तक सत्य आत्मसत्व तक सत्य में की अवधारणा ऐसा निश्चय करके दिखाया इस कारण से अद्वैत दर्शन द्वैत दर्शन और विरुद्ध अत्रैव युक्तिमानि प्रमाण के आधार पर सिद्ध किया श्रुति प्रमाण के आधार पर सिद्ध किया कि अद्वैत अद्वैत का ही एक भेद विशेष है आप उसको युक्ति के द्वारा भी दिखाते हैं अद्वैत दर्शन द्वैत दर्शन अविरुद्ध अद्वैत दर्शन द्वैत दर्शन से विरोध नहीं रखता है क्योंकि अत्रैव इस विषय में ही युक्ति इस विषय में युक्ति भी है आम एवं उपपत्ति संक्षिप्त दर्शन उसी युक्ति को ही संक्षिप्त रूप में दिखा दिया उस युक्ति को संक्षिप्त रूप में दिखा दिया क्या दिखाते हैं सचित्त स्पंदन अभावे समाधो छायां सुषुप्त अभाव ठीक है अच्छी बताइए समाधो और सुषुप्त
ये इसका कार्य पति क्या होगा? तो विभक्ति कौन सा है ना? समाधि और सुषुप्ति, तो वहाँ पे भी मूर्छा उपेक्षा क्यों नहीं बोला? वहाँ कार्य पति क्या मूर्छा है? ब्रह्मा सत्य मूर्छाया ब्रह्मायाम स्वकीयचित्तस्पन्दन अभावे मिथ्या ज्ञान उपरमिष्यति द्वैत दर्शन अभावात् अद्वैतं सिद्धम्। ठीक है, सुषुप्ति आदि अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, मूर्छा अवस्था, समाधि अवस्था। सुषुप्ति को हम पहले कहते हैं कि उसका सबका कॉमन होने पर ऐसे मूर्छा अथवा समाधि सबका नहीं होता, पर सुषुप्ति सबका होता है, उसको पहले उसको लगाते हैं। जो सुषुप्ति आदि अवस्थाया आदि अवस्था में स्वकीय चित्त स्पंदन अभावे, अपने केवल अपना ये पुस्तक नहीं, अपने चित्त का स्पंदन अभाव हो जाने पर मिथ्या ज्ञान द्वैत दर्शन अभाव आता, उसमें चलता है द्वैत दर्शन नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए अद्वैत सत्य अद्वैतम सिद्धम। कौन कौन पारमार्थिक सत्य है? जो हमेशा एक रूप में रहता है वही पारमार्थिक सत्य। जिस समय द्वैत प्रपंच नहीं रहता उस समय भी आत्मा रहता है, जिस समय द्वैत प्रपंच रहता है उस समय भी आत्मा रहता है, और दोनों अवस्था में एक ही रूप में रहते हैं, मतलब असंग रूप में ही है, इसलिए आत्मा में पारमार्थिक सत्य। ततश्च इसके फलस्वरूप में स्वप्नवत जागृत भेदाना उत्पत्ति दर्शना उपपत्ति द्वैतम अद्वैत कार्यम। देखिए इसके फलस्वरूप किंतु स्वप्न में वस्तु की उत्पत्ति होते हुए दिखाई दिया, कहाँ दिखाई दिया? अपने स्वप्न दृष्टा में सारा वस्तु उत्पत्ति होता है। ततश्च स्वप्नवत स्वप्न के समान जागृत भेदानाम जागृत वस्तुओं का उत्पत्ति दर्शन उसके उत्पत्ति दिखाई देने के कारण एक ही युक्ति है, जो उत्पत्तिशील वस्तु है और विनाशी भी होगा और पारमार्थिक सत्य नहीं हो सकता, इसलिए बोलते हैं दर्शनादि उपपत्ति युक्ति के बल पे द्वैतम अद्वैत कार्य। द्वैत जो है अद्वैत का कार्य है, मतलब अद्वैत द्वैत रूप में प्रतीति होता है। न च कारणम तत्कार्य प्रतिभाषे विरुद्धते। ये देखिए ये मुख्य सिद्धांत है, क्योंकि कारण क्योंकि कारणम तत्कार्य प्रतिभाषे, उसके ऊपर इसके कार्य का जो प्रतीति होता है उसके साथ कारण कभी विरोध नहीं करता। जिस कारण के ऊपर जो कार्य की प्रतीति हो रहा है वो कारण कभी भी उस कार्य का विरोध नहीं करता। ठीक है ना, कार्यांतर कार्य का विरोध करता है, कारण कभी कार्य का विरोध नहीं करता। न च कारणम तत् कार्य प्रतिभाषी विरुद्ध करते, कारण उसके जो कार्य उसके ऊपर जो कार्य की प्रतीति हो रहा है उसके साथ कभी भी विरोध नहीं करता। कार्य मिथ्या क्यों है? क्योंकि कार्य से वाचारम्भ न मात्र कारण अतिरेक अभावादि कारण अतिरेक अभाव कभी भी अपने कारण को छोड़कर उसका सत्ता ही सिद्ध नहीं होता, इसलिए कार्य में पारमार्थिक सत्य नहीं है। Om Shanti।